हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन के लेडीज सॉक्स जिसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की बोल ली है टेन नंबर सलाई ली है और देखिए इसको मैंने थम सॉक्स बनाया है और इसको मैंने बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया है इसमें एड़ी भी मैंने देखिए अलग तरीके की बनाई है काफ़ी एंकल लेंथ में बनाया है आप चाहें तो यहाँ पे और भी इसको ऊंचा बना सकते हैं काफ़ी ऊपर तक बना सकते हैं तो अगर आपको और ऊंचा बनाना है तो आप ये वाली रो जो मैंने ये वाली रो डाली है चार ये आप बढ़ा सकते हैं और यहां से आप ये रो बना के आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने इसको अड़तालीस फंदे से बनाया है आप अगर बड़ा बनाएंगे तो आप इसमें चार फंदे ज्यादा डालेंगे और छोटा बनाएंगे तो चार फंदे कम करेंगे और देखिए ये छह और सात नंबर के लिए है इजिली आ जाएगा आप अपने बुल के अकॉर्डिंग भी फंदे ले सकते हैं तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले फंदे डालूंगी तो फंदे डालने के लिए देखिए बुल को मैंने डबल किया है और टेन नंबर सलाई ले रही हूँ मैं तो देखिए बिल्कुल सिंपल फंदे डालूंगी मैं जो बिगनर्स भी डाल सकते हैं और ये सॉक्स बहुत ही ईजी है बहुत ही जल्दी बन के कम्प्लीट होती है ये देखिए इस तरह से ये हमारी भूल थोड़ी सी मोटी है तो मैंने फोर्टी एट फंदे लिए हैं अड़तालीस फंदे तो यहाँ पे मैं फंदे ले लेती हूँ ये यह देखिए यहाँ पे मैंने फोर्टी एट फंदे ले लिए हैं अड़तालीस फंदे अब देखिए हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर हमने यहाँ पे एक उल्टा और एक सीधे का बनाया है आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं तो यहाँ पे देखिए एक उल्टा बोल को पीछे करेंगे एक सीधा ऐसे को आगे करेंगे एक उल्टा एक सीधा ये देखिए इस तरह से मुझे रो कंप्लीट करनी है उधर से भी हम इसे ऐसे ही बुनेंगे जो उल्टा होगा उसे उल्टा सीधा होगा उसे सीधा तो इस तरह से हम यहां पे करीब बारह रो का बॉर्डर बनाएंगे आप बॉर्डर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया और देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह रो का बॉर्डर बनाया है एक उल्टा और एक सीधा आप यहाँ पे बॉर्डर किसी तरीके का डाल सकते हैं अब देखिए हम उल्टी पे हैं जहाँ से हम इसमें कलर चेंज करेंगे आप इसको सीधे तरफ से भी कर सकते हैं लेकिन फिर ये सीधे तरफ से आपको बोल ऐड करनी पड़ेगी यहाँ से मैंने बोल को ऐड कर लिया अब हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे सारे फंदे हम उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे लास्ट तक अब हम दोनों कलर से दो दो रो बनाएंगे तो हम ये रो कंप्लीट करते हैं मैंने लास्ट तक बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया अब हम इसको पलट लेंगे यहाँ से इस फंदे को उतार लेंगे बुल को अपनी तरफ करेंगे यहाँ से हम इसे उल्टा ही बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक फिर से इस तरह से तो ये रो कंप्लीट करती हूँ ये देखिए सीधे तरफ से पूरी रो मैंने कर ली अब हम पलट लेंगे अब उल्टे तरफ से फिर से हम कलर चेंज कर लेंगे इसके हम दो दो रो बनाते हुए अभी कंप्लीट करेंगे ऐसे यहाँ से हमने फ्रोजी कलर से बना लिया इस तरह से पूरी रो हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक ये देखिए उल्टे तरफ से हमने फ्रोजी से पूरा कर लिया अब हम यहाँ से सीधे तरफ एक फंदा उतार के उल्टा बुनेंगे इस तरह से तो इस तरह से ये हम पूरी रो कर लेंगे और देखिए उल्टे तरफ से वापस हम फिर से रेड कलर से बनाएंगे तो रेड कलर की चार लाइन हम बना के कम्प्लीट करेंगे दो दो रो बनाते हुए इसको हमें कम्प्लीट करना है चार रो हम बना लेंगे रेड की फिर हम दिखाएंगे आगे का ये देखिए यहाँ पे चार रो बना के मैंने कम्प्लीट कर ली है एक दो तीन चार रेड की हमने चार बनाई है और ये देखिए पूरी अगर आप गिनेंगे तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात सात रो बनाई हैं तीन इसकी बनी है फ्रोजी की और चार ये रेड की बनी है तो टोटल सात रो मैंने बना ली हैं और दो दो रो बना के मैंने ये कंप्लीट की हैं अब देखिए हम इसमें एड़ी बनाएंगे तो पहले हम इस साइड में एड़ी बनाएंगे देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे रो खत्म होती है तो यहाँ से अब हम फ्रोजी कलर से एडी इसकी बनाएंगे जो भी बेस कलर आप लगा रहे हैं तो यहाँ से हम बारह फंदे लेंगे ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ छूनी बारह यहीं से हम पलट लेंगे इस तरह से अब देखिए इस फंदे को हम उतार लेंगे क्योंकि यहां पे मुझे चैन चाहिए फंदे उठाने हैं मुझे बाद में तो हमने इसको उतार लिया बूल अपने तरफ किया यहां से हम पूरी रो उल्टा बना लेंगे इस तरह से ये यह देखिए यहां से हम वापस पलट लेंगे इस साइड से आप कैसे भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिलाई में आ जाएगा और इस तरह से हम ये दूसरी रो कंप्लीट करेंगे उल्टे तरफ से ये देखिए ऐसे एक इधर से मैंने कंप्लीट कर ली एक इधर से अब इधर से तीसरी रो ये खत्म हो गई इधर से देखिए इसको हम ऐसे उतार लेंगे इस फंदे को भूल को अपने तरफ करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे उल्टा बनाएंगे ये देखिए यहाँ पे दो रो कंप्लीट हो गई हैं और मैंने यहां पे बारह फंदे लिए हैं तो हमें बारह ही रो चाहिए जितने फंदे की आप एड़ी बनाएंगे उतनी ही रो आपको बना के कम्प्लीट करनी होंगी तभी इसकी हाइट पूरी हो जाएगी तो चलिए हम यहाँ पे बारह रो कम्प्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं ये देखिए यहाँ से ग्यारह रो मैंने कम्प्लीट कर ली एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह अब बारहवीं रो हम इधर से बनाते हुए जाएंगे तो एक फंदा उतार लिया हमने इधर से और देखिए इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे ये देखिए ऐसे तो देखिए इस तरह से इन्हीं फंदों को मैंने सिर्फ बुना है अभी इन फंदों में कुछ नहीं किया है अब देखिए इन फंदों को हम यहाँ से बंद करेंगे बाइंड ऑफ कर देंगे तो देखिए इस तरह से दो का एक करते हुए हम उल्टी तरफ से इनको बंद कर रहे हैं बारह रो यहाँ पे पूरी होती है तेरहवीं रो पे हम बंद कर देंगे इनको ये देखिए इस तरह से ये देखिए यहां पे हमने इस तरह से इन फंदों को ऐसे देखिए इस तरह से हम दिखा दें यहाँ से मैंने ऐसे बनाया इनको हमने बंद कर दिया किया अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे तो देखिए एक फंदा मेरे पास है और देखिए हर एक रो में से हम यहाँ से काउंट भी आप कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से इस तरह से ये दो देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और देखिए बारह यहाँ पे हमने बारह फंदे ले लिए हैं एक मेरे पास था और ग्यारह मैंने उठा लिए तो बारह हो गए एक दो तीन चार पाँच छ छः दूनी बारह अब देखिए हम यहाँ से पूरी रो इसी कलर से बुन लेंगे और इस फंदे को हमें टाइट बनाना है ताकि यहाँ पे कोई होल ना रहे तो इस तरह से हम ये रो लास्ट तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इधर भी इसी तरह से एड़ी बनाएंगे तो हम पहले ये रो कंप्लीट करते हैं ये देखिए मैंने लास्ट तक ये रो कंप्लीट कर ली इस तरह से देखिए तो जैसे मैंने इधर एड़ी बनाई है इसी तरीके से हम अब इस साइड में बारह फंदे ले लेंगे तो इस फंदे को हम उतार लेंगे भूल अपने तरफ ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ये देखिए इन बारह फंदों को ही हम इस तरह से बनाएंगे बारह रो यहाँ पर भी हम ऐसे इसको हम यहीं से देखिए ऐसे कर लिया और देखिए, इसको हम ऐसे उतारेंगे यहां से बोल अपने तरफ करेंगे और यहाँ से हम रो बनाएंगे दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बन के कम्प्लीट हो जाती है जैसे हमने उधर बनाई है वैसे ही हम यहाँ पर इन्हीं फंदों को बनाएंगे तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको ये यह देखिए यहाँ पे हमने इसको बना के कम्प्लीट कर लिया है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह अब हम यहाँ पर बारहवीं पे इन फंदों को इधर से बंद करेंगे तो देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये देखिए ग्यारह ग्यारह फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दे एक फंदा मेरे पास है अब हम यहां से ग्यारह ही फंदे उठाएंगे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और देखिए ग्यारह ये देखिए इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये फंदे उठा लिए हैं मैंने और देखिए अब मुझे ये रो बनानी है तो आप इस तरीके के फंदे भी उठा सकते हैं लेकिन इसमें एक रो कम रह जाएगी यहाँ पे, तो आप यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करिए तो ये रो पूरी हो जाएगी जैसे कि हमने ये वाले फंदे जो उठाए हैं उन्हीं को इस पे ले लीजिए इसको खोल दीजिए ऐसे तो आपकी ये रो कम नहीं रहेगी फंदे भी पूरे उठ जाएंगे ये देखिए ऐसे इनको हम इस पे लेते जाएंगे ऐसे ये देखिए इस तरह से ये देखिए एक फंदा है मेरे पास तो हम इसको भी ऐसे कर लेंगे आप देखिए यहाँ पे ये यह फंदे भी उठ गए मेरे पास और बूल भी हमारे यहाँ पे है तो हम यहाँ से ये यह पूरी रो बनाएंगे तो हमारी पूरे में एक रो आ जाएगी कम ज़्यादा रो नहीं होंगी तो आपको इसका ध्यान रखना है आपको इनको ऐसे ही करना है तो इसको हमने उतार लिया यहाँ से हम पूरा उल्टा बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक ये देखिए क्योंकि अब मुझे इस रो, रो उल्टी ही बनानी है और देखिए यहाँ पर अगर कोई होल हो रहा है तो आप यहाँ पे फंदा उठा के भी बना सकते हैं हमारे फंदे टाइट हैं तो यहाँ पे कोई होल नहीं हो रहा है अगर हो तो आप इस तरह से एक फंदा उठा लीजिए ऐसे और इस फंदे के साथ दो का एक कर दीजिए तो आपका ये नहीं होगा यहाँ पे हम ऐसे ही बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम इसको ऐसे ही बनाते हुए लास्ट तक जाएंगे ये देखिए लास्ट तक मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया अब देखिए हम इस तरह की रो बनाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ से बुल को ऐड करेंगे उल्टा उल्टा बुनना है और दो दो रो बनाते हुए जाना है ये देखिए इस तरह से हमने ये रेड कलर लगा लिया अब रेड की हम दो रो बनाएंगे उसके बाद दोरो फ्रोजी के अब हमें कोई फंदा घटाने बढ़ाने नहीं है यहाँ पे एडी बन के दोनों तरफ ये कंप्लीट हो गई अब पूरी रो हम इसी कलर से बनाते हुए जाएंगे ऐसे ये देखिए इस तरह से इधर से भी उल्टा बुनेंगे और उधर से भी उल्टा दोनों तरफ से इसको हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे जब तक इसका थम तक नहीं आ जाता इतनी लंबाई हम रखेंगे जहाँ थम बनेगा उसके बाद हम दिखाएंगे आपको तो इस तरह की रो बनानी है दो दो रो बनाते हुए कंप्लीट करना है जैसे हमने ये बनाई है इसी तरीके से दोनों साइड देखिए ये एडी बनने के बाद हमें ऐसे ही बुनना है सिंपल बुनना है दो दो रो बनाते हुए कंप्लीट करना है तो हम करके फिर दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे लंबाई इसकी मैंने बना के कंप्लीट कर ली है और देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो रेड की हमने ग्यारह रो बनाई है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और देखिए टोटल फ्रो, ये फ्रोजी की भी मिला देंगे तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तेस रो बना के कम्प्लीट किए हैं तो यहाँ पे ये लंबाई पूरी हो गई है आप अपने साइज के हिसाब से ये रो एक आध कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अब देखिए हम इसमें थम पहले बनाएंगे तो थम हम एक में इस साइड बनाएंगे और एक में इस साइड बनाएंगे तो इसमें हम इस साइड बनाएंगे तो देखिए अब हम इसको उल्टा और सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे ये रो कंप्लीट होती है तो हम फ्रोजी से ही थम बनाएंगे क्योंकि बेस कलर हमने फ्रोजी रखा है अब इधर से हम देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये देखिए सोलह फंदे मैंने थम के लिए लिए भूल हमारी मोटी है इसलिए अगर आपकी भूल पतली है तो आप दो फंदे और ले सकते हैं अठारह फंदे कर सकते हैं यहीं से हम पलट लेंगे अब देखिए हम इसको उतारेंगे और यहाँ से सीधा बुनेंगे अब हम प्लेन बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से उधर से उल्टा इधर से सीधा देखिए यहाँ पे हमने दो रो बना ली है एक इधर से सीधी उधर से उल्टी तो इसी तरह से हम यहाँ पे टोटल दस रो बना के कंप्लीट करेंगे तो हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं ये यह देखिए यहां पे हमने दस रो बना के कंप्लीट कर ली है यहां से काउंट कर लेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस अब देखिए हम दोनों तरफ से फंदे घटाएंगे थमकी गोलाई के लिए तो यहां पे देखिए तीन का एक कर दिया मैंने उसके बाद हम इनको उल्टा बुन लेंगे लास्ट के तीन फंदे हम उधर भी कटाएंगे ये यह देखिए यहां पे ऐसे इधर भी तीन का एक कर दिया उसके बाद हम यहां पे इस रो को सीधा बुन लेंगे सभी फंदे इस तरह से ये देखिए यहां पे ये रो हमने बना लिया तो टोटल यहां पे हमारी बारह रो बन के कंप्लीट हो गई अब हम इस बुल को कट करेंगे ये देखिए यहां से हमने ये बुल कट कर दी अब हम इन फंदों को देखिए सब इस तरह से सुई पे ले लेंगे हम सारे फंदे ऐसे मैंने इनको ले लिया देखिए इस वाले धागे में से जो हमने धागा इसमें किया है इसमें से देखिए ऐसे टाइट कर देंगे देखिए थम की गोलाई काफ़ी अच्छे से आ जाएगी यहाँ पे इस तरह से एक बार हम और इसमें से धागा निकाल देंगे ऐसे ये देखिए इस तरह से ये थम बन के कंप्लीट हो गया ऐसे अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं और इधर हम फिंगर बनाने के लिए बोल जोड़ेंगे ये यह देखिए यहां से हमने उल्टी रो पे ही बोल ऐड कर ली इन फंदों में और पूरी रो हम पहले उल्टा बनाएंगे ऐसे ये देखिए तो हम इसको पहले बना लेते हैं अब देखिए यहाँ पे ये रो मैंने कंप्लीट कर ली और मेरे पास सैंतीस फंदे हैं तो हम यहाँ पे देखिए सत्रह फंदे इधर रखेंगे सत्रह इधर रखेंगे और तीन फंदे हम बीच में घटाएंगे तो पहले हम यहाँ से देखिए इस तरह से एक उतार लिया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह बंदे हमने इधर ले लिए और यहाँ पे हम तीन का एक कर देंगे इस तरह से तीन का एक कर दिया ऐसे देखिए अब यहाँ से हम सत्रह बंदे सीधे बुन लेंगे ये देखिए उल्टी रो पूरा उल्टा ही जाएगी इसमें ये देखिए इस तरह से हमने ये रो पूरी कर ली अब हम यहाँ से उल्टी रो बना लेते हैं उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद सीधी रो पे आ गए हैं अब देखिए यहाँ से हम एक फंदा उतारेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह इस रो में हमने सोलह फंदे बुने देखिए ये वाला सेंटर का फंदा है एक हम इधर से लेंगे एक इस साइड से लेंगे तो इस तरह से हमने इसको इधर किया इसको ऐसे ऊपर लाके तीन का एक कर देंगे सीध बैक साइड से ये देखिए इस तरह से उसके बाद इधर के फंदे हम सीधे बुनेंगे उल्टी रो पूरा उल्टा बनाएंगे तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पे सोलह फंदे रह जाएंगे जब तक हम तीन का एक करते रहेंगे एक फंदा इधर से लेना है एक इधर से यहाँ पे सेंटर में सिर्फ तीन का एक करना उल्टी रो पूरा उल्टी उसमें कोई फंदा नहीं घटेगा सिर्फ सीधी रो पे घटेगा तो हम इतना करके फिर दिखाते हैं ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे फंदे घटाते हुए इसको बना लिया है और देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ धोनी सोलह एक सत्रह फंदे बचे हैं मेरे पास अब देखिए इन फंदों को हम इधर से बाइंड ऑफ कर देंगे इस तरह से ये देखिए क्लोज करेंगे यहां से इनको दो का एक करते हुए इनको बंद करना है ऐसे इस तरह से तो इनको हम कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से हमने ये फंदे बंद कर लिए अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए इसको उंगलियां जो हैं इनको हम ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से ये कर दिया और इसको हम ऐसे करेंगे थम को तो। और देखिए ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ऐसी सिलाई आएगी एड़ी और यहाँ तक इस तरह से पूरा नीचे के साइड इसकी सिलाई नीचे रहेगी तो आप इसको इसी तरीके से सिल लें तो देखिए यहाँ से हम पहले थम से लेंगे। ये देखिए यहां पे हमने इसको सिल लिया अब हम यहां से इस भूल को निकाल देंगे यहां से देखिए ऐसे ये देखिए उंगलियों को सिलेंगे पहले ये देखिए इस तरह से हम इसे यहां पे पहले इसको बंद करेंगे ये आप सलाइयों से भी बंद कर सकते हैं ये देखिए यहां तक हमने बंद कर लिया अब इसी बूल को हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे ऐसे और यहां से लेके यहां तक इसको बंद करेंगे पहले ये देखें यहाँ तक ये यह हमने ऐसे जोड़ दिया अब हम इसको अब देखिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे ही सिलते जाएंगे मिलाते हुए जो जैसी रो है इसको हम ऐसे मिलाते हुए पकड़ लेंगे देखिए और इनको हम सिल लेंगे ऐसे तो हम पहले यहां तक सिल लेते हैं ऐसे ये यह देखिए यहां तक मैंने सिल लिया अब देखिए हम यहां से एडी को इस तरह से पूरा यहां से लेके यहां तक सिल देंगे ये देखिए ये देखिए ऐसे मैंने इसको यहां तक सिल लिया अब देखिए हम ये रो मिलाते हुए इनको भी सिल लेंगे ये देखिए ये सिंपल इसको सिल के कंप्लीट करना है ऐसे अब देखिए यहां से लेके ऊपर तक इसको सिलते जाना है यहाँ पे हम इसे अच्छे से सिलेंगे और टाँक देंगे इसको ऐसे पक्का करके उसके बाद हम बुल कट करेंगे थोड़ा सा अंदर ले आएंगे पहले बूल को ऐसे यहाँ पे फिर से हम पक्का करेंगे ऐसे अब देखिए इस तरह से देखिए इसके यहाँ पे सिलाई हो गई है यहाँ से देखिए मैंने ये उंगली सिली इधर से थम सिला सेंटर में सिला फिर देखिए ये एडी आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यहाँ तक ऐसे यह सिल के लाई हूँ मैं इसको